देश भर में छठ महापर्व का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में फरीदाबाद जिले की विभिन्न घाटों पर शनिवार शाम को छठ व्रती और श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के साथ व्रती महिलाओं व परिवार के सदस्य सिर पर डलिया लेकर छठ घाट पर पहुंचकर अपने अपने स्थान ग्रहण किए। इसके बाद डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ देकर कुशलता और संपन्नता की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल विकास मंच सेक्टर 3 व पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति मिर्जापुर और पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति के सभी पदाधिकारी श्रद्धालुओं व उनके परिवारों की व्यवस्था में जुटे रहे। छठ पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है, उसको बहुत ही शुद्धता से और सफाई से हम लोग करते हैं। छठ पूजा के दिन पहले एक मैंने शुरू दिन तो नहा खा करके और घिया की सब्जी, चने का दाल और कच्चा चावल बनाते हैं और उसको पूजन करते हैं। और उसके दूसरे दिन भर व्रत रख के शाम को खीर बनाते हैं और रोटी बनाते हैं, बाकी फल फ्रूट भी रखते हैं उसमें। और उसके बाद पूजा पाठ करते हैं। फिर तीसरे दिन जब सुबह उठते हैं, पकवान बनाते हैं, तैयार करते हैं, शाम को सूर्य देव को अर्घ देने के लिए घाट पर जाते हैं। जब डूबता हुआ सूर्य जब डूबने लगता है उस समय हम लोग अर्घ देते हैं, अर्घ दे के पूजा पाठ करते हैं और घर वापस आते हैं। और फिर जब सुबह जाते हैं, चौथे दिन सुबह जाते हैं और जब सूर्य उगता है उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, अर्घ देते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं और उसके बाद अर्घ दे करके व्रत का समापन करते हैं। छठ पूजा का तैयार जो होता है, छठ पूजा का शुरुआत नहा खाए के दिन से होता है। नहा खाए के काम होता है जो सुबह से घर के साफ सफाई करके नहा के जो छठ पूजा करेंगे और नए वस्त्र या साफ सुथरा वस्त्र पहन के खाना पकाएंगे अपने लिए, जो दाल चावल और घिया का सब्जी होता है वो, फिर शाम को खाना खाएंगे। नेक्स्ट टाइम वो जो खरना का शुरुआत हो जाता है, खरना का दिन कुछ नहीं खाना है, शाम को चंद्रमा का देखकर पूजा करते हैं, जो वही प्रसाद खाएंगे व्रत करने वाले। दूसरे नेक्स्ट दिन जो आज जिसको संध्या अर्घ कहते हैं, शाम वाला संध्या अर्घ जो अभी हो रहा है। संध्या अर्घ का मतलब है हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, मतलब डूबते हुए सूरज को प्रणाम करना और उनके सामने निवेदन करना, विनती करना कि सभी की जो भी अपनी मनोकामना है वो पूरी करने के लिए महिलाएं मांगते हैं, परिवार की खुशहाली के लिए, समाज की खुशहाली के लिए। और ये महिलाएं कुछ, ये त्यौहार क्या है ना, कुछ जगह जगह की बात होता है। कुछ महिलाएं ना कुंड में उतर कर पूजा करते हैं, कुछ बाहर से भी पूजा करते हैं। अगले दिन होता है उगते हुए सूरज को अर्घ देना, जब सूरज उगता है उस उगते हुए सूरज का पूजा करना होता है और उसमें भी वही सारे चीज़ें होता है। और एक स्टेप बाय स्टेप इनका जो नियम है पूजा का, वो नियम के हिसाब मुताबिक पूजा चलता रहता है। और उसके बाद ही महिला व्रत तोड़ती है सुबह के।